चीन ने एक बार फिर लद्दाख सीमा के पास भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक कदम उठाया है। चीन लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को एक बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के पास सैन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करना शुरू कर दिया है। एक सूत्र ने बताया कि चीनी सेना ने इस इलाके में टेंट स्थापित किया है और वो इस इलाके में भूमिगत सुरंगों का निर्माण कर रही है। वहीं पैंगोंग उस क्षेत्र के पास विवादित फिंगर 8 माउंटेन स्पर में और अधिक सुरंगों का निर्माण चीनी सेना कर रही है। सूत्र के मुताबिक ये देखा जा रहा है कि चीनी सेना ने तैनाती और इलाके में गश्त बढ़ाई है। वे अब इलाके के आसपास के इलाकों में भारतीय सेना के जवानों की आवाजाही पर एतराज जता रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक इस विवादित क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य बुनियादी ढांचा नहीं बनाया गया है, जहां चीनी सेना गश्ती के लिए आई थी। लेकिन टेंट की स्थापना करने के साथ ही चीनी सेना ने जिस तरह खुद को इस सीमावर्ती इलाके में तैनात किया है, ये भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर फिंगर 8 क्षेत्र में विवादित फिंगर 5 भारत और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़प का गवाह बना था। 15 अगस्त 2017 को एक दूसरे को घायल करने के लिए दोनों सेनाओं ने पत्थरों और लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस बीच पूर्वोत्तर और लद्दाख सीमा पर अक्सर भारत के साथ तनाव बढ़ाने के लिए उकसाने की कोशिश करने वाला चाइना अब बेहतर रिश्तों की बात कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कहना है कि भारतीय सेना के साथ उनके संबंध बेहतर हो रहे हैं। पीएलए ने कहा कि रणनीतिक बातचीत और व्यवहारिक सहयोग के कारण ऐसा हो पाया है। पीएलए ने इसके लिए पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धन्यवाद दिया है। चीन की सेना के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि अभी भारत और चीन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास खत्म किया और दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई। चीनी सेना का बयान इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि 2017 में डोकलाम में भारत और चाइना के बीच तनातनी काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा चीन कई मौकों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के संबंधों में सैन्य संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इसके लिए दोनों देशों के नेताओं का धन्यवाद। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, रणनीतिक बातचीत बेहतर हो रही है और व्यवहारिक सहयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है। आपको बता दें कि 2018 में वुहान और इस साल चेन्नई में दोनों देशों के प्रमुखों के बीच इनफॉर्मल समिट हुई थी। 2017 में डोकलाम में हुए गतिरोध के बाद इन मुलाकातों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था।